बीहड़ के शेर डाकू मलिकान सिंह ने चुनावी महासंग्राम में विपक्षियों को ललकारा। यूपी के सीतापुर और लखीमपुर जिले की धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार बीहड़ के सरदार रहे डाकू मलिकान सिंह ने चुनावी महासंग्राम में खुद को उतारते हुए धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के अन्य प्रत्याशियों में खलबली पैदा कर दी है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती बना चंबल का पूर्व डाकू मलिकान सिंह अब उत्तर प्रदेश के सांसदीय क्षेत्र धौरहरा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा की मौजूदा सांसद रेखा वर्मा के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। आप लोकसभा चुनाव में उतरे हैं जी, किस उद्देश्य से उतरे हैं? हमारा ये उद्देश्य है, एक तो लोग चुनाव में नेता बनने की कोशिश करते हैं, मैं अपने को नेता नहीं मानेंगे न नेता बनना चाहे। मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और बहन बेटियों की इज्जत को बरकरार हमने मतलब अपने जीवन में बचा के रखा और सम्मान किया। पैर छूने के अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। अब सवाल ये इस बात का है, मैं देखना चाहते कि चंबल के लोगों में एक बड़ी खास बात है, जैसे डाकू डाकू बोलते हैं, डाकू से चोर खराब होता है, तो चोरी करता है वो खराब होता है, ये डाकू नहीं। चंबल में सैनिक पैदा होते हैं, डाकू नहीं। बागी शब्द है, बगावत के खिलाफ जो बदतमीजी करता है वो बागी बनता है। जो आदमी शोषण करता है गरीब लोगों पर, राजनीति नहीं, धन नहीं, तो आदमी कहाँ जाएगा? अत्याचार हो ही रहा, अब किसी को तो बर्दाश्त होता, अब किसी को बर्दाश्त नहीं होता। और चंबल के लोगों में इतिहास रहा कि एक अगर किसी ने पानी पिला दिया उसका भी एहसान बंद होता है, और क्षेत्र में जो जनता की सेवा करने के लिए एक पहरेदार मिल जाएगा मलखान सिंह जैसा, जो कभी मतलब कोई नाटक नहीं हो पाएगा। जो विश्वास रखो आप, क्या जिन हाथों में अभी तक बंदूकें थी, क्या उन हाथों पे जनता विश्वास करेगी? जनता विश्वास ज़्यादा करेगी, बंदूक रही तो भिंड जिले में चंबल पे रही, ये पेशाबा और यहाँ बंदूक नहीं चली कभी। हर क्षेत्र का बागी नहीं माना जाता, बंदूक रही बगावत के खिलाफ, बंदूक नहीं रहती तो फिर आदमी शोषण करता, मार देता, जीने नहीं देता, तो बंदूक तो रखनी ही पड़ती, मजबूरी थी मेरी। बंदूक नहीं रखते तो क्या करते फिर? अगले मैंने बेबसी में बंदूक बांधी, बंदूक चाहते तो नहीं थे, जब अन्याय हो रहा था तो बंदूक से फिर काम लिया, निवेदन किया, आवेदन दिया, नहीं सुनाई दी, इसके बाद तो फिर बंदूक उठानी पड़ेगी। तो कोई भी आदमी उठा, हमारी जगह पे अगर देवता भी होता उसे भी बागी बनने पड़ता। किस पार्टी से मैदान में आ रहे हैं आप? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, सहपाल सिंह।